सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हैप्पी न्यू ईयर। आज है 2 जनवरी 2023 और आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। ये वीकेंड मैंने अपने काम से ऑफ लिया है और मेरा टारगेट ये रहेगा कि कलकत्ता के डिफरेंट लोकेशंस में अपनी पूरी फैमिली को दो लेके जाऊं। जगह का तो आज प्लान है, एक है दक्षिणेश्वर काली टेम्पल और दूसरा है बिरला प्लानिटोरियम। चलिए आज हम लोग ईयर की शुरुआत करते हैं कलकत्ता को एक्सप्लोर करने से लेके। ये रहा अंकित, फुल रेडी है। पुलकित और ये रही मैडम, ये भी रेडी रेडी हैं। सो दोस्तों, फाइनली हम लोग 11:20 पर निकल रहे हैं। प्लानिंग था 8:30 बजे निकलने का, ये 9 बजे तो सो के उठी अरे है। 8 बजे उठे हम 8 बजे नहीं, 9 बजे उठी। हमने भी जाने दिया, ठीक है, ठीक आराम से देखते हैं, जब उठेगी तभी चलेंगे। तो आराम से हम लोग वेकअप किए अराउंड 9 बजे, रेडी वेडी 10:30 तक हो गए। अभी 1 घंटा बाद निकल रहे हैं। गाड़ी का कोशिश कर रहे थे कि कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन गाड़ी नहीं मिली। तो अब देखते हैं, जो भी रास्ते में मिले वही पकड़ के निकल लेंगे। वैसे मंदिर 12:30 बजे बंद हो जाता है, तो बस जाके घूम घाम के चले आएंगे मंदिर। तो पहली सवारी रही टोटो की। टोटो से हम लोग जाएंगे हंस काली पुल। बहुत भीड़ भीड़ नहीं है, सबको नाटक है। 200 रुपये की जगह 400 रुपये 500 रुपये मांग रहे हैं और कुछ नहीं है। चलो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कुछ है, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट ही है। अभी हम लोग दोस्तों पहुंचे हैं हावड़ा स्टेशन। अभी देखते हैं कौन सी लोकल ट्रेन हमें जाएगी, पहुंचाएगी बाली तक। तो हमारा दूसरा लेग ऑफ जो जर्नी है वो है हावड़ा स्टेशन से लेके बाली जंक्शन। तो दोस्तों ये बैंडल लोकल है 12:20 में जो बाली जाएगी, ऑल स्टेशन होके आती हैं। तो इसी को हम लोग पकड़ते हैं, हमें तो तीसरे स्टेशन में ही उतर जाना है। लोकल ट्रेन में हम लोग आराम से बैठ गया और बैठने के बाद जब मैंने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो मुझे ट्रेन के कंपार्टमेंट एक बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट किया हुआ दिखा, जिसमें गांधी जी और उनके साथ जो लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे उनके पोर्ट्रेट थे। ये दांडी सत्याग्रह की के चित्र को चित्रित किया गया था दोस्तों, बहुत ही सुंदर लगा। बाय ट्रेन, देखो बाय ट्रेन कर दो। तो हम लोग अभी पहुंचे हैं बाली। बाली से एक मेन लाइन जाती है जो बैंडल होकर बर्धमान मिलती है और एक लाइन बैंडल से वापस कट के कटवा चली जाती है। दूसरी जो लाइन है वो जाती है डायरेक्टली बर्धमान, और यहाँ से हम लोग का नेक्स्ट डेस्टिनेशन है दक्षिणेश्वर। मंदिर की टाइमिंग तो ख़त्म हो गई है, पर फिर भी देखते हैं क्या हम लोग देख सकते हैं। स्टेशन से उतरने के बाद ये पाथवे पकड़ के हम लोग इस ब्रिज के ऊपर जाना होगा, जहाँ से दक्षिणेश्वर के लिए गाड़ी मिलेगी। और एक बढ़िया ट्रेन लग रही है, मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम भी करता हूँ, देखिए। जैसे ही हम लोग पाथवे में पहुंचे तो एक सुंदर सी ट्रेन जा रही थी, उसके ऊपर में मध्य प्रदेश टूरिज्म के विभिन्न लोकेशंस का पोर्ट्रेट किया हुआ था, पिक्चर डाला हुआ था। और ये एक अच्छा तरीका है जिससे हमारे देश के अलग अलग जगहों के कल्चर को दिखाया जा सके। इसमें सिर्फ मध्य प्रदेश का पिक्चर था दोस्तों।
दोस्तों हम लोगों ने बाली से बस पकड़ा, बस में काफ़ी भीड़ थी, हम लोग बैठ तो गए लेकिन कोई ब्लॉगिंग नहीं कर पाए। पहुँचे हम लोग दक्षिणेश्वर। दक्षिणेश्वर पहुँचने में पता चला कि जो ऊपर का स्काई स्क्रैपर है जिसके ऊपर से एक बार हम गए थे, कोशिश करेंगे उस वीडियो को इसमें लिंक करें। जब हमारे एक भाई का लड़का आया था घूमने के लिए तो उसको मैं ले कर गए थे, आपको वो भी मैं दिखाऊँ, बट आज तो अभी नीचे से ही जा रहे हैं अपने। इनफैक्ट पहले तो नीचे से ही रास्ता था और बगल अगल में काफ़ी दुकानें थी, बट आज के दिन में दुकानें तो अब सब ऊपर शिफ्ट हो गई हैं। वो वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से गवर्नमेंट ने बढ़िया से सारी दुकानों को नीचे से ऊपर करके और काफ़ी बढ़िया ही काम किया मेरे हिसाब से। तो नीचे पूरा खाली हो गया, आराम से गाड़ियाँ आ सकती हैं जा सकती हैं और विजिटर्स लोग भी आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। तो हो गया है काफ़ी लेट, लगभग 1 बज रहा है और मंदिर का गेट तो ठीक है बट ये लोग परिसर का भी गेट बंद कर दिया है, वो थोड़ा सा मुझे ताजुब लगा, ऐसा कभी हुआ नहीं था। मैं बहुत बार यहाँ आया हूँ लेकिन परिसर का गेट बंद हो जाए ऐसा नहीं होता। चलो ठीक है, यहाँ एक फेरी घाट है वहाँ जाते हैं और फिर घूम के निकलते हैं। वैसे बाजार काफी खचाखच भरा हुआ है यहाँ पर ये है कि मंदिर ही बंद है तो बाजार खुल के क्या होगा। अच्छा यहाँ से कुछ खुला हुआ है। हाँ यहाँ से खुला हुआ है। तो अभी पता चला कि यहाँ पे भोग का टाइम हो रहा है तो इसके लिए अभी अंदर नहीं जाने देंगे। तो मंदिर में हो रहा होगा यार, मंदिर का बाहर तो बहुत बड़ा प्रांगण है, वो अलाउ करते। कितना सुंदर सुंदर यहाँ पे टॉयज हैं चिकू, टॉयज अच्छे हैं चिकू, कुछ लेना है क्या? वाह अच्छा, तोड़ने के लिए? हाँ बनाने के लिए। क्या बनाओगे बताओ? हाँ लेकिन तुमने तो अभी तक सारे गेम तोड़ डाले हैं। नहीं नहीं रहने दो, फिर अब अंकित के लिए गेम लाएंगे, जब वो नहीं तोड़ेगा फिर नया नया गेम लाएंगे। जेटी काउंटर है दोस्तों, जहाँ से बेलूर के लिए मोस्टली आपको ये भी मिलेगा और मैं सोचा था इसका बहुत अच्छा व्यू दिखाऊं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली शायद नहीं दिखा पाएंगे क्योंकि शायद इससे आगे मुझे जाने की अनुमति नहीं होनी चाहिए। कोई बात नहीं, आ जाओ देखता हूँ। बिना टिकट एंट्री नॉट अलाउड। दोस्तों हम लोग पहले अंदर गए, अंदर बंद, तो सोचे जेटी घाट पे जाए, वहाँ भी बिना टिकट एंट्री नहीं है, तो वापस हम लोग ब्रिज पे आ गए हैं। इतना सुंदर सा ब्रिज, बहुत ही बढ़िया है। इस पे यहाँ से गाड़ी आती है, बीच में ट्रेन है और वो नया ब्रिज बनाया हुआ है। और अगर हम देखें तो ये देखिए, वो लाइन दिखा दीजिए, वो जेटी के लिए लाइन लगा है। ये लाइन लगा हुआ है और ये जेट्टी पर जाने के लिए रास्ता है, वो रही जेट्टी। तो हम लोग थोड़ा सा यहीं पे फोटो वगैरह खींचेंगे और निकल चलेंगे हम लोग नेक्स्ट डेस्टिनेशन में। आज हमको डाउट ही लग रहा है कि 2 बजे का शो मिलेगा। दोस्तों पहुंचे हम लोग दक्षिणेश्वर मेट्रो, मच अवेटेड मेट्रो ये थी और बहुत दिन पहले ही ये चालू हुई, बहुत 2 साल तो हमको भी ध्यान है कि हो गया, तो चलो आज इसका आनंद लेते हैं। भूल भुलैया के गानों पर डांस करते हुए अंकित और पुलकित दक्षिणेश्वर मेट्रो में, और इन दोनों की यह पहली जर्नी है अंकित पुलकित दोनों की, तो चलो एंजॉय करते हैं अपने बच्चों के साथ। काफ़ी भीड़ है दोस्तों, काफ़ी भीड़ है।
आ जाओ यहाँ पे, तो अंकित एक्सपर्ट है। अंकित अंकित, डिड यू फाइंड एनी प्रॉब्लम? नो। एंजॉयिंग? यस। योर फर्स्ट ट्रैवल इन मेट्रो? रुक जा, एक मिनट रुक जा। तो मेट्रो आएगी, एक काम किया जाए, हम लोग यहाँ से पहले ऊपर हैं, ये मेट्रो धीरे धीरे जमीन के अंदर जाती है। यहाँ से है ये दक्षिणेश्वर, वारानगर, नोआपाड़ा, दमदम, ये ऊपर में है, यहाँ से नीचे हो जाती ट्रेन। बेलगछिया, श्याम बाजार, सुबह बाजार, गिरीश पार्क, महात्मा गांधी रोड, सेंट्रल, चांदनी, एस्प्लानेड। एस्प्लानेड में हावड़ा वाली ये मेट्रो क्रॉस करती है, ब्लू लाइन मेट्रो, ये ग्रीन लाइन मेट्रो हो गई। फिर पार्क स्ट्रीट मैदान, रविंद्र सदन, अपने को यहीं पे उतरना है। फिर उसके बाद ये मेट्रो आगे निकलती है, नेताजी भवन, जेडी पार्क, कालीघाट, रविंद्र सरोवर, उत्तम कुमार, नेताजी, सूर्य सेन, गीतांजलि, कवि नजरुल, शहीद खुदीराम एंड कवि सुभाष। यहाँ दिखाया भी गया, ये इंटरचेंज है और हम लोग यहाँ पे हैं। समझ में आया? आ जाओ। फाइनली हम लोग निकल रहे हैं एक साइड मेट्रो से, एक साइड में। और लंच में हम लोगों ने हल्दीराम में मंगाया है, ये रहा, बटर नान, गुलाब जामुन, दाल मखनी का सब्जी, दो सब्जी और ये पुलाव, और साथ में पापड़ भी है। बहुत मस्त खाना है यहाँ पे दोस्तों। चलो बच्चों से भी पूछते हैं कि कैसा उनको खाना लगा, इस खाने को एक्सपीरियंस करके। देखने में तो बहुत अच्छा लगा। पुलकित पुलकित, एक एक दाना बिन के खाते हो? तुम पेट भरा? और आपका? मेरा तो बिल्कुल अभी तक नहीं भरा। ओके, मजा आया, खाना बढ़िया। पोस्ट लंच अब अपने लोग जा रहे हैं बिरला प्लानिटोरियम, 4 बजे से हिंदी का शोज है कॉस्मिक कोलिजन। दोस्तों हल्दीराम का फूड बहुत बढ़िया है और हम लोगों को भी मजा आया। हाँ, पूरा वेज है, कंप्लीट वेज है। ये है दोस्तों बिरला प्लानिटोरियम। तो दोस्तों ये है एमपी बिरला प्लानिटोरियम। टिकट की लाइन काफी लंबी है एकदम। तो ये रहा टिकट 4 लोगों का, अगर 480 रुपए, 120। दोस्तों ये है आपका अलग अलग ग्रहों पे आपका अलग अलग वजन। यहाँ पे हमने अंकित का भी कराया, तो ये रहा अंकित का। यस, ये अंकित चढ़ा हुआ है अर्थ पे, इतना होगा और बाकी का। रुक जाओ अंकित, रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ।
टाइटन प्रेसिडेंट। तुम जाओ, आ जाओ। 24 के 21 के जी है। ओके, कम डाउन। दोस्तों, हम लोग का शो ख़त्म हो गया है। इसके बाद अंकित की मम्मी घूम गई है, हम लोग उसके यहाँ पे वेट कर रहे हैं। अंकित, इधर देखो, इधर इधर। भाई साहब, अरे तुम भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम लोग बिरला प्लेनेटोरियम का शो ख़त्म करने के बाद, ये यहाँ पे बिरला प्लेनेटोरियम के बगल में बड़ी चर्च है, यहाँ बगल में काफ़ी सारे खाने वाने का है। और हम लोग खाएंगे भैया पापड़ी चाट यहाँ से। तो दोस्तों, हम लोग आज का दिन यहीं पर ख़त्म करते हैं और अब घर के लिए निकलते हैं। ब्लॉग घर चल के ख़त्म करेंगे। हाय। तो दोस्तों, घर पहुंच गए हैं और आशा करता हूं कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगा, आप लोगों ने यहां तक देखा है, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए क्या अच्छा लगा क्या नहीं अच्छा लगा। बेल आइकन दबाइए जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। होप आप लोग को ये सारा वीडियोज़ अच्छा लगता होगा और आप लोगों के लाइक और सब्सक्राइब के बेसिस पर ही मुझे एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ऐसी वीडियोज़ को और बनाया जाए। तो आप सभी का बहुत दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ।